रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा गांव जातला से जावरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच जाने वाला मार्ग की रपट पर अधिक पानी होने के कारण ग्रामीणों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पास ही बसा गांव रियावन में 12वीं तक स्कूल होने से सभी आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए नाला पार करके जाना पड़ता है। वहीं गांव के पास नाले पर पुलिया तो बनाई गई, पर रपट जैसे बनाने से ग्रामीणों को पुलिया पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने से ग्रामीणों को और स्कूली बच्चों को इस नाले को पार करके निकलना पड़ता है। इस नाले के ऊपर पानी आने से ग्रामीण व स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। आपको बता दें कि इस रास्ते से हर दिन ग्रामीणों को अपने घर का सामान खरीदने व मंडी जाना और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। सालों से अभी तक सुधरी भी नहीं है यहाँ पे और काफी परेशानी होती है। आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत होती है और खास करके गांव वालों को। छोटे से गांव काम के लिए हमको यहाँ रुकना पड़ता है। बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग पड़ा रहता है बारिश के दिनों में। और काफी समय तक हमने सांसद महोदय से बात हो गई थी हमारी, लेकिन अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। पुलिया ऊंची उठनी, जो ये पुलिया बना रखी, ये पुलिया किस हिसाब से बनी है, क्या कुछ? ये तो वो मतलब किसी काम की पुलिया नहीं है। यहाँ पर रोड के लेवल की अगर बनाते तो कम से कम पानी इतना नाले के ऊपर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर पुलिया में आने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कत हो रही है। देखा जाए यहाँ से उस नाले को पार करके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। बच्चे को अभी आपके सामने निकाला हमने यहाँ पर, ये रोज का काम है बारिश के समय में तो, और छोटे बड़े सब बच्चों को निकालना पड़ता है कहीं कोई हादसा हो गया तो। अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी को आपने अवगत कराया इसको? हमने यहाँ पर सांसद महोदय से बात हो गई है, विधायक महोदय से बात हो गई, सरपंच महोदय से, सभी मतलब नीचे से लेकर ऊपर तबके तक लोगों को हमने पहुँचा दिए बात, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ इसका। केवल देखा जाए तो आश्वासन ही मिलता आपको? सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। और बहुत सारी बार मतलब बनी भी है पुलिया, लेकिन सिर्फ कागजों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।